So hello everyone, I'm Dinesh Kumar this side and currently I'm pursuing my first year MBBS from the IMS BHU. So now it's hardly 25 days left for your NEET examination. So कौन सी वो बातें हैं जिसको तुम्हें इस टाइम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. सो देखो यार, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि यार तुम लोगों ने जो पूरे साल में पढ़ा है वो सिर्फ तुम्हें नीट में आउटपुट सिर्फ तब देगा जब तुम उसको नीट तक एक प्रॉपर वे में रिवाइज कर पाते हो. तो रिविजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए और उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस से तुम्हें पता करना चाहिए कि कहाँ अभी भी तुम्हारे प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट इज कि मान लो तुम्हारा कोई चैप्टर है जो तुमने पूरे साल में बाई चांस किसी भी रीजन से वो नहीं पढ़ पाए हो, तो देखो उसको अभी के लिए भूल जाओ. वो ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है उसको पढ़ने का, उसको कवर करने का. अब तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए वो इस पर होना चाहिए कि जो तुमने पूरे साल में पढ़ा है उसको एक 100% तरीके से रेडी कर लो. जो पढ़ा है वो गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है. जो नहीं पढ़ा है उसको अभी के लिए भूल जाओ. उससे उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट इज कि जो तुम्हारा भी मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो उसका जो स्कोर आ रहा है उस स्कोर पर ज़्यादा सीरियसली लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. देखो, हमेशा मॉक टेस्ट का स्कोर एक कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वो एक रेंज में वेरी करेगा. सो उस स्कोर से तुम्हें डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी डिप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. वो तो तुम्हारा देखो फाइनल स्कोर मैटर करने वाला है, वो होगा नीट का स्कोर. तुम्हारा मॉक टेस्ट का स्कोर सिर्फ एक मिरर है जो तुम्हें दिखा रही है कि अभी तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पर है. सो मॉक टेस्ट तुम्हें अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने की ज़रूरत है, उससे डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सो देखिए, जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई गेस, कि है ना, तुम्हें अभी इस टाइम पे तुम्हारे मेंटल स्टेट के बारे में फुली अवेयर रहना चाहिए. जस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क, तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारे पेरेंट्स के एफर्ट्स, तुम्हारे मेंटर्स के एफर्ट्स, इन सब पे अपना बिलीव रखो. ठीक है. और जस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क एंड लॉर्ड श्री कृष्णा, वो तुम्हें आउटपुट जरूर देंगे. और जो जितना तुम लोगों ने इनपुट दिया है उतना आउटपुट देगा ही देगा. ठीक है. वो और बस इतना ही आज की वीडियो में. थैंक यू गाइस, और जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, कीप हसलिंग. एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में डाल सकते हो. आई विल मेक श्योर टू आंसर दैट क्वेश्चन. थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. बाय.